दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप लोग? उम्मीद है सब ठीक होंगे और मैं अब ठीक हूँ। तो काफ़ी दिन से मैं अपॉइंटमेंट लेने की कोशिश कर रहा था कि बाइक की सर्विस हो जाए घर पे, तो आज आए हैं बाइक की सर्विस करने। तो रॉयल इनफील्ड से आए हैं भैया सर्विसिंग के लिए। ये बाइक बाहर खड़ी है, सारे टूल इसी में थे, इसी बाइक में। तो अभी स्टार्ट करते हैं बाइक की सर्विसिंग। बाइक की सर्विस करा रहे हैं, उससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था तो बाइक पे लगी कहाँ थी। देखो कहीं निशान आपको दिखेंगे नहीं, जितने ये लगाड़ है यहाँ पर चोट लगी, ये हैंड गार्ड था, थोड़ा सा यहाँ निशान, जरा सा इसके मिरर पे, और कहीं भी निशान नहीं आया बाइक पे। जितने लगी मेरे को ही लगी है, बाइक पे नहीं लगी थी। जो क्रैश गार्ड लगा हुआ है जाना का, इससे मुझे बहुत प्रोटेक्शन मिली है, बाइक को भी प्रोटेक्शन मिली है। ये देखो जितना वेट था बाइक का सब ये जाना के क्रैश गार्ड पे आ गया। तो फिलहाल अभी सर्विस करवा लेते हैं और उसके बाद राइड का बैन बन रहा है, तो अभी देखते हैं बाइक पे राइड करते हैं या गाड़ी पे राइड करेंगे, वो आने वाली वीडियोस में आपको पता लग जाएगा। जो मेरे चैनल पे नहीं है, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर देना, ऑल सेलेक्ट कर लेना, ताकि आपको आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। बहुत टाइम से कनेक्टेड नहीं था, लास्ट जो वीडियो बनाया मैंने आप लोगों से दोबारा से कनेक्ट होने के लिए बनाया था, और ये भी वादा किया था कि अब रेगुलर वीडियोस लाऊंगा। अभी ये बाइक की सर्विसिंग हो रही है, इसके बाद मैं इसकी, एक साल हो गया बाइक को, तो मैं इसका ऑनरशिप रिव्यू या अपना एक्सपीरियंसेस आपसे शेयर करूँगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको पता लगेगा ये हिमालयन PS6 का क्या एक्सपीरियंस रहा है मुझे एक साल का। और फिलहाल सर्विस कराते हैं, फिर बात करें। भाई कह रहे हैं कि बैटरी चार्ज करने के लिए हम कुछ लाए नहीं, तो कुछ अरेंज करना पड़ेगा, देखते करते हैं कुछ। टोटल कितने लीटर डलेगा इसमें? 2 लीटर। 2 लीटर ये तो हमें नाप के पहले ही लेके आ गए, नाप के पहले ही लेके आ गए इसमें। तो अभी फिलहाल बैटरी निकालने का प्रोसीजर चालू है, स्टार्ट करने की कोशिश करी थी, भैया ने अपनी बाइक से बैटरी निकाली है, यहाँ से बैटरी निकाली और साइकिल मारता आगे बीच में। मैंने अपनी बैटरी निकाली थी वायर लगा के चार्ज करने की, या बाइक स्टार्ट करने की कोशिश करी है तो बाइक स्टार्ट हुई नहीं है। तो अभी बैटरी निकाल के और इसको चार्जिंग में भेज रहा हूँ, देखिए 3-4 घंटे लगेंगे चार्ज होने में, उसके बाद स्टार्ट होगी, तो देखते हैं क्या होता है। अपनी बैटरी ये पड़ी, ये बंद पड़ी हुई है, भैया की बाइक की बैटरी लगी है। तो सर्विस हो गई है, इसकी बैटरी बाहर से चार्ज करवानी पड़ी और वॉशिंग भी मैंने बाहर से करवाई है। बाकी इसकी टेस्ट राइड लेते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ आगे। तो आज मैं अपनी हिमालयन करीब 4 अक्टूबर के बाद आज राइड कर रहा हूँ, पूरे 4 महीने हो चुके हैं। तो फ्रंट टायर में मुझे हवा कम लग रही है, पहले एयर प्रेशर चेक करा लेते हैं और डलवाते हैं, और तो इसके बाद बताता हूँ मैं आपको कि एग्जैक्टली एक्स्ट्रा कितना अमाउंट लेते हैं रॉयल इनफील्ड वाले जो घर पर सर्विस दे रहे हैं। ये काफ़ी अच्छी चीज़ है जिन लोगों के पास टाइम नहीं है बाइक सर्विसिंग के लिए। कितने की आ रही है ये? 235 की आ रही है। हाँ जी,
अरे बढ़िया, एकदम बढ़िया, लगाओ सामान और चलते रहो। तो रॉयल एनफील्ड हिमालयन जहाँ दिखती है लोगों को, इसके बारे में जरूर पूछते हैं। एक्चुअली कॉमन बाइक नहीं है, सिटीज़ में तो बहुत कम दिखती है बाइक, तो इसीलिए लोग इसकी जानकारी लेना चाहते हैं। बाइक की वैसे तो मेरी थर्ड सर्विस थी, बट इतना टाइम मैं घर में रहा, बाइक नहीं चली थी, तो एक साल से पहले थर्ड सर्विस करवानी ज़रूरी है। बट फिर भी मैंने एक साल से पहले कॉल कर दी उन्हें, तो उनके सिस्टम में मेरी थर्ड सर्विस शो नहीं हो रही थी, तो मुझे फोर्थ सर्विस करवानी पड़ी। और जो चार्जेस आए हैं वो इंजन ऑयल और चेन लूप करवाया मैंने, उसके अलावा जो एक्स्ट्रा चार्जेस लेते हैं, एक्स्ट्रा चार्ज ले रही है रॉयल इनफील्ड घर पे आने के लिए 250, और इंजन ऑयल और चेन लूप मिला के मेरा 1000 और 250 एक्स्ट्रा, यानी 1250 मेरा टोटल खर्चा आया इसकी सर्विस पे। और अभी तक तो मुझे बहुत बहुत अच्छा फील हो रहा है, बहुत अच्छा, क्योंकि बीच में बहुत गैप हो गया था 4 महीने का, उसके बाद मैं चला रहा हूँ, तो मुझे तो वैसे ही अच्छा लगेगा चलाने में। भाई इसमें प्रेशर कम ही रखना, 27-28 ही रखना, ठीक है। जो इंजन ऑयल सेमी सिंथेटिक जो हिमालयन में डल रहा है, 15W50 सेमी सिंथेटिक इंजन ऑयल है ये, लिक्विड गन के नाम से आता है इनका इंजन ऑयल, तो वही डला है। परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया है इस इंजन ऑयल की, सर्विस चार्जेस रॉयल इनफील्ड के वैसे ही ऑलरेडी कम है, और अभी तो फ्री लेबर चार्जेस मेरा फ्री चल रहा है अभी, तो ज़्यादा अगर आप सर्विस सेंटर जाके सर्विस करवाते तो अंडर 1000 आपका इंजन ऑयल वगैरह सब चेंज हो जाएगा, चेन लूप वगैरह सब, ऑयल फिल्टर सब चेंज हो जाएगा। और अगर सर्विस लेते हैं एट होम तो 250 एक्स्ट्रा लगते हैं इनके, जो कि ज़्यादा चार्जेस नहीं है, और बहुत अच्छी फैसिलिटी है जिन लोगों के पास टाइम नहीं है, बाइक घर पे खड़ी है, ऑफिस जा रहे हैं और टाइम नहीं लगता सर्विस करवाने का। एक तो सर्विस में पूरा दिन लग जाता है अगर सर्विस करवाने जाएं कहीं सर्विस सेंटर पे, तो उस लिहाज से अच्छी फैसिलिटी दी है रॉयल इनफील्ड ने। बाकी मैं बाइक चला रहा हूँ, इतने टाइम बाद चला रहा हूँ, अच्छा लग रहा है, और इसकी मैं पूरी वीडियो बनाऊंगा। एक साल मुझे हो चुका है बाइक लिए हुए, क्या मेरा एक्सपीरियंस रहा है पिछले एक साल में इस बाइक को लेकर, हिमालयन BS6 को लेकर, क्या डिफरेंसेस लगे हैं मुझे BS4 में और BS6 में, वो सब मैं बताऊंगा, एक वीडियो बनाऊंगा मैं, मे बी नेक्स्ट वीडियो हो, नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो हो। तो हेलमेट के माइक ने एक बार फिर से धोखा दे दिया, चलो कोई बात नहीं, बाकी मैंने इस वीडियो में आपको सब कुछ बता दिया है, सब कुछ दिखा दिया है, अगर कुछ भी छूट जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी रॉयल एनफील्ड ने अच्छी फैसिलिटी स्टार्ट करी है, एक फ़ोन कॉल करिए सर्विस सेंटर और अपॉइंटमेंट बुक करिए, आपकी प्लेस पे वो सर्विस करके जाएंगे आपकी बाइक की, और 250 एक्स्ट्रा लगेंगे, और बाकी जो भी आपके इंजन ऑयल वगैरह इसके चार्जेस होते हैं वो एक्स्ट्रा हैं। और जब तक मेजर दिक्कत नहीं है तो मुझे लगता है कि घर पे सर्विस करवा लेना बहुत बेटर है, और अच्छी फैसिलिटी है ये। बाकी अगर कुछ भी छूट गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ऑल सेलेक्ट करना ना भूलें, ताकि आपको आने वाली मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सारी अपडेट मैं इंस्टाग्राम पे अपलोड करता रहता हूँ, और स्टोरी चेक करते रहिए इंस्टाग्राम पे, डिस्क्रिप्शन लिंक पे भी मिल जाएगा आपको इंस्टाग्राम का लिंक, लिंक पे क्लिक करिए, डायरेक्टली आप मेरे पेज पे पहुँच जाएंगे, फॉलो करिए। और आज की वीडियो के लिए बस इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपको रॉयल इनफील्ड मेटियोर की राइड पे ले चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जल्दी ही मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।